भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसमें वसीम रिजवी, मोहसिन रजा, ये दोनों मदरसों के खिलाफ थे, मदरसों की जांच कराया करते थे, जबानी खर्च किया करते थे, इनकी कोशिश ये होती थी मदरसे बंद हो जाएं, लेकिन उनके ख्वाब ख्वाब रह गए। इस सरकार में जो नए मंत्री बने हैं, राजमंत्री दानिश अंसारी, वो इन दोनों वसीम रिजवी और मोहसिन रजा से भी चार कदम आगे निकल गए, जांच भी करा दी, बंद भी कराने में तुले हुए हैं। बंद का मतलब आप जहां दीनी तालीम है वहां आप अपना कोर्स लागू कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको बहुत फिक्र है तो आप एक काम कीजिए कि जो सरकारी स्कूल हैं, आप मदरसों में एनसीईआरटी की बुक्स चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि जो सरकारी स्कूल है भारत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के, इनमें आप अरबी और उर्दू की क्लासेस शुरू कराइए, कंपलसरी करिए सब्जेक्ट, कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो पढ़ें। ये भी तो हो सकता है कि आप वहां एनसीईआरटी लागू करने से बेहतर है कि आप अपने स्कूलों में शुरू कर दीजिए अरबी और उर्दू, करिए। अरशद मदनी साहब ने बिल्कुल जायज बात कही कि इससे इस्लामिक जो एजुकेशन हमारी है, तालीमात है, उस पर असर पड़ेगा। सब उनके पीछे पड़ गए, क्या गलत कह दिया उन्होंने? सर, 2-3% लोग अपने बच्चों को जानते बूझते और समझते हुए मदरसों में भेजते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनके बच्चे दीनी तालीम हासिल करें, कुरान करीम पढ़ें, हदीसें पढ़ें, लोग जान के समझ के भेजते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, लैपटॉप और फलाओ ढमक, जिनको लैपटॉप की जरूरत है उनको आप लैपटॉप दे नहीं रहे, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा वालों बच्चे जो हैं, और यहां आप कह रहे हैं लैपटॉप। आपको पता ही नहीं है कि जो मदरसों से बच्चे निकलते हैं, जो पहला स्टेप है वो है हाफिज कुरान, मतलब कंठस्थ कर लेना कुरान, तू 300 पारे उनको याद हो जाते हैं, ये पहला स्टेप है। आप लैपटॉप दे रहे हैं और मदरसे से जो बच्चा होता है उसको ही पूरा कंप्यूटर बना दिया जाता है, लैपटॉप बना दिया जाता है, वो कंठस्थ कर लेता है कुरान। जो हाफिज कुरान होते हैं वो तरावी पढ़ाते हैं 5 पारे, आप भी पढ़ते होंगे, वो लैपटॉप देख के नहीं पढ़ाते हैं, उनको कंठस्थ होता है, वो हाफिज होते हैं, पढ़ाते हैं। आप वाला काम कर रहे हैं कि एक आदमी घर से निकला, उसने कहा हम मंदिर जाएंगे पूजा करने, आप रास्ते में उसको पकड़ लिए और आपने कहा नहीं ये पकड़ो तुम लैपटॉप, वो लैपटॉप देख के नहीं पढ़ाते हैं, उनको कंठस्थ होता है, वो हाफिज होते हैं, पढ़ाते हैं। आप वाला काम कर रहे हैं कि एक आदमी घर से निकला, उसने कहा हम मंदिर जाएंगे पूजा करने, आप रास्ते में उसको पकड़ लिए और आपने कहा नहीं ये पकड़ो तुम लैपटॉप और ये अमिताभ बच्चन की सीडी, पहले ये लैपटॉप पर सीडी देखो, पिक्चर देखो, उसके बाद जाओ पूजा करने। भाई वो अपने धर्म के अनुसार पालन कर रहा है, आप जबरदस्ती उसके धर्म में खड़मंडल डाल रहे हैं बीच में, ये ठीक बात नहीं है। आप रवैया बदलिए, मुसलमानों के जो रिचुअल्स हैं, जो मुसलमानों की आस्था है, आप उसमें अड़ंगा मत डालिए, ये ठीक बात नहीं है।